రామచంద్ర మిషన్ అంతర్జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ కమలేష్ డి పటేల్ జీ గారు ధ్యానంతో జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవచ్చని నిరూపిస్తున్న విశిష్ట సంస్థ రామచంద్ర మిషన్ యోగా ఆధ్యాత్మికతలను విశ్వవ్యాప్తం చేయటమే లక్ష్యంగా ఉన్న ఈ సంస్థల ప్రస్తుత అధ్యక్షులే శ్రీ కమలేష్ డి పటేల్ గారు. సహజ మార్గంలో యోగాను నేర్పించడం ద్వారా ఆయన ప్రధాన లక్ష్యం రంగారెడ్డి జిల్లాలోని కన్హా శాంతివన ఆశ్రమ కేంద్రంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. వారిని భక్తులకు ఆశీర్పూర్వక ఆశీర్వాదాలు అందించవలసిందిగా సభక్తికంగా కోరుతున్నాం. హార్దిక్ ప్రణామ్స్ ప్రియ భయ్యో బహనో. मैं श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष के रूप में यहाँ के कार्यकर्ताओं को ये जो महोत्सव कोटि दीपोत्सव उजाया जा रहा है आनंद के साथ, वो देख के बड़ा आनंद आता है, गर्व होता है. दीपोत्सव एक निशानी है. हम जब दीप जलाते हैं बाहर, कोटि दीप जलाएंगे, कोटि कोटि दीप जलाएंगे, कोटि 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 दीप जलाएंगे, लेकिन जब तक दिल में अंधेरा रहेगा, हृदय में अंधेरा रहेगा, तब कुछ भी होने वाला नहीं है. हम देखते हैं शिव भगवान, शंकर भगवान ध्यान में बैठे हैं, लॉर्ड कृष्णा वो ध्यान में बैठते हैं, हनुमान जी ध्यान में बैठे हैं. हम कभी सोचते नहीं है कि जो शिव है, शंकर है, वो कौन सा ऐसा तत्व है जिन पे ध्यान कर रहे हैं. तो हम चाहते हैं कि उनको देखे ही नहीं, उनका दर्शन ही नहीं करें, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, अपने दिल में वो प्रकाश उज्ज्वलित करो. हजारों करोड़ों दीपों हम जलाते रहेंगे, लेकिन जब तक दिल में अंधेरा रहेगा, तब कुछ होने वाला नहीं है. तो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, ईश्वर की ओर जाना है, प्रेम की ओर जाना है. और सभी से ये प्रार्थना है कि आप थोड़ी देर के लिए भी सुबह शाम ध्यान करेंगे और प्राणाहुति के साथ करेंगे, तो उसमें कुछ और मज़ा आएगा. तो आप सबसे विनती है, ध्यान करो. और मालिक से प्रार्थना है कि आप उनका अनुभव करें. उनकी प्रशंसा करने में कुछ मज़ा नहीं है, गणपति दादा वो है ये है, लेकिन हम क्या है. गणपति दादा एक चूहे के ऊपर खड़े रह जाते हैं, लेकिन उसको दुख भी नहीं देते हैं. इतना वजन होने के बाद भी वो चूहा जिंदा रहता है. उनका गर्व किसी को दुख नहीं पहचानता. तो ऐसे हमारी जिंदगी होनी है, किसी को भी दुख न हो. तो यही प्रार्थना के साथ मैं अपना प्रवचन बंद करता हूँ और सबसे विनती करता हूँ कि जिंदगी में एक बार भी ध्यान करके देखो कैसे जिंदगी महक हो जाती है. धन्यवाद एंड प्रणाम्स.